ये टिप्स जो मैं दे रहा हूँ वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि 70% आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा। लोगों के टीथ येलो हो जाते हैं। सो आप मुझे ये बताइए कि जो पीलेपन की समस्या है वो दांतों में क्यों हो जाती है? कुछ लोगों के दांत पीले दिखने लगते हैं क्योंकि दांतों के ऊपर एक स्टेन, मतलब एक कलर जम जाता है, कलर की एक लेयर जम जाती है, जैसे ज्यादा चाय पीना, स्मोक करना, या ज्यादा मिर्च मसाले, कुछ मसालेदार सब्जियां खाना, जिससे कि स्टेन्स, जैसे कपड़ों पे हमारे कलर लग जाता है, वैसे ही दांतों पे भी, दांतों के इनेमल पे कलर लग जाता है, उसको हम स्टेन्स बोलते हैं। दूसरा होता है डेंटिन का उभर के दिखना। अब डेंटिन क्या होता है उसके लिए समझिए, ये खुद का एनाटमी है। अभी इसमें आप देखिए, ये ऊपर का जो सतह है ये है वाइट, है ना, दिख रहा है हमको। अभी इसके बाद येलो है, ये डेंटिन है, सबसे ऊपर इनेमल है जो हार्डेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी का, ये डेंटिन है, और फिर नर्व है, राइट। अभी सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं दांत को जितना ज्यादा हम प्रेशर से, जितना अच्छा ज्यादा हम ब्रश करेंगे उतना ये सफेद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। अभी मैंने आपको दिखाया, सबसे ऊपर वाली लेयर व्हाइट थी, आप जब उसको घिस दोगे तो नीचे की लेयर क्या होगी, येलो है, तो वो आपको इसलिए येलोनेस दिखने लगता है। तो ये दो तरह की येलोनेस आप हम बात कर सकते हैं, वो आपका डेंटिस्ट ही देख के बता सकता है कि ये स्टेन्स है या फिर आपका जो इनेमल है वो जा चुका है या घिस चुका है, एब्रेशन हो चुका है उसका, है ना। अभी इसके लिए आपको एक चीज और समझना है मैम, कि जो हमारे टूथपेस्ट हम यूज करते हैं, आज इंडिया में वेराइटीज ऑफ टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, और अभी इंडियन गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा रूल आई है, CDSCO अप्रूवल, जिससे कि जो टूथपेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट जो जिनमें सही रिसर्च नहीं है और वो इंडिया में अभी सेल हो रहे हैं, तो वो अब सेल नहीं हो पाएंगे। शुरुआत से हम समझते हैं कि ब्रशिंग होती क्या है। ब्रशिंग होती है, एक तो ब्रश मतलब फिजिकल एब्रेसिव, और सेकेंड टूथपेस्ट, ये होता है केमिकल एब्रेसिव, ठीक है। भी दोनों एब्रेसिव है, एब्रेसिव मतलब घिसने वाली चीज है, ठीक है। अगर एक दीवार को, आज मुझे इसको दीवार को साफ करना है, राइट, उसको कुछ लग गया है फॉर एग्जाम्पल, तो एक मुझे कपड़ा चाहिए वो हो गया फिजिकल एब्रेसिव, और मुझे कुछ डिटर्जेंट वगैरह चाहिए वो हो गया केमिकल एब्रेसिव। अभी जितना हार्ड डिटर्जेंट होगा तो जितना उसमें एसिडिक उसका नेचर ज्यादा होगा तो उतना जल्दी साफ करेगा, राइट, लेकिन उतना खराब भी तो करेगा। ऐसा ही है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अगर हम कोई टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट उठा लाते हैं या फिर ऐसे पेस्ट यूज कर रहे हैं जिनका कोई रिसर्च वगैरह नहीं है, है ना, चाहे वो किसी भी पैथी के नाम पे हो कि हाँ ये तो सेफ है, इससे तो कुछ होना नहीं है करके। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि सेंसिटिविटी का कंप्लेंट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ब्रशेस में जो पेस्ट यूज किए, हार्ड ब्रशेस यूज किए, या फिर ऐसे पेस्ट यूज किए जिनमें सिर्फ और सिर्फ एब्रेसिव्स थे, डिपोजिटरी फंक्शन उनका थे ही नहीं, ठीक है। तो अभी जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसमें जो आप ब्रश यूज कर रहे हो वो ब्रश यूजुअली आपका सॉफ्ट होना चाहिए, इवन मैं तो कहूंगा कि अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए आप, हाँ, क्योंकि दांत बहुमूल्य है, ठीक है, आपको उसको घिसना नहीं है किसी चीज से। आप जितना हार्ड ब्रश यूज करेंगे आपका डेफिनेटली आपका जो लॉजमेंट है वो तो निकलेगा, लेकिन उसके साथ आपका दांत भी तो घिस आ रहा है ना ना। ब्रश को प्रॉपर 1 1 2 हाफ मंथ में आपको चेंज करना चाहिए, और जो पेस्ट है वो पेस्ट को
आपको ऐसे ही यूज करना चाहिए, बिल्कुल एकदम मटर के दाने बराबर छोटा सा। आप पूरा पेस्ट ना भरें, क्योंकि वो आप केमिकल एब्रेसिव है, और वो जितना आप ज्यादा लोगे उतना ज्यादा एब्रेशन देगा। अभी दूसरी चीज क्या है, आप पेस्ट आपके डेंटिस्ट, अगर आपको प्रॉब्लम है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, एक जनरल चेकअप कम से कम साल भर में तो करवाइए। और आपसे आपके लिए क्या सूट करता है, सबसे बेस्ट क्या है टूथपेस्ट, वो आप उनसे एडवाइस लीजिए। रीमिनलाइजेशन टूथपेस्ट इंडिया में पहले नहीं आते थे, अब रीमिनलाइजेशन टूथपेस्ट भी अवेलेबल है, जो हमारे इनेमल स्ट्रक्चर को, अभी मैंने ये दिखाया, जो सबसे ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है व्हाइट वाला, इसको रीमिनलाइज करते हैं। उसमें मिनरल्स होते हैं जो इसको रीमिनलाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। आप दिनों दिन उसको घिस रहे हैं तो दिनों दिन उसमें रीमिनलाइज करना भी जरूरी है। तो इससे आपका येलोनेस जो है टूथ की, इससे आप सेव कर सकते हो, रुक सकते हो दांतों को घिसने से। ओके जी ओके डॉक्टर, एंड आप मुझे ये बताइए कि किस एज से ये येलोनेस जो टीथ में होती है ये शुरू हो जाती है, क्या ये बच्चों में ही शुरू हो जाती है? जी देखिए मैम, क्या है, येलोनेस दो भागों में हमने मेनली इसको चेंज किया। कि पहले व्हाइट थे और येलो हुए दांत, दो कारण, एक तो इनेमल का घिस जाना, दूसरा स्टेंस का हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए कोई मतलब बुजुर्ग जो लोग हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा, वो सही है, पर ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं देखने को मिल सकता। अगर बच्चा भी हार्ड ब्रश से जो है, सॉफ्ट ब्रश यूज नहीं कर रहा है, हार्ड ब्रश से यूज कर रहा है, तो एब्रेशन उनको भी होगा। या फिर जैसे बच्चे चाय पी रहे हैं, या फिर कुछ दूसरी हैबिट्स हैं जो स्टेंस कर सकती हैं, तो स्टेंस उनको भी दिखेगा। तीसरा एक और चीज होती है येलोनेस को लेके, जैसे हमारा स्किन टोन सबका अलग होता है, वैसे ही आपका इनेमल का टोन भी सबका एक जैसा नहीं हो सकता, सबका शेड अलग अलग है, ठीक है। अगर नेचुरली आपका इनेमल थोड़ा डार्कर शेड पे है, तो आप उसको लाइटर शेड पे लाने के लिए अननेसेसरी प्रयास मत कीजिए, ठीक है। ब्लीचिंग्स होती हैं, पर एक अच्छे ब्लीचिंग मटेरियल्स बहुत महंगे आते हैं, और कोई भी ब्लीच अगर हम करेंगे तो थोड़ा बहुत हार्म तो ओके करती है। डॉक्टर की जो भी सलाह है वो आप पूरी तरह से माने तो वो फिर हार्मफुल नहीं रहेगा। ओके ओके एंड डॉक्टर, एक और सवाल बहुत लोगों के मन में था कि जैसे हमारे अगर दांत सपोज येलो हैं तो क्या वो एक संकेत होता है कि कोई और बीमारी भी आ सकती है बॉडी में या फिर नहीं? जैसा हमने पहला स्टेंस का बोला, अगर स्टेंस जम रहा है दांत में, ठीक है, इट मींस वहां पे फूड लॉजमेंट भी हो सकता है कि स्टेंस हो रहे हैं, खाना खाते हैं तो वो उसके छोटे छोटे कण दांतों के ऊपर जम रहे हैं, राइट। तो अगर वो जम रहे हैं तो येलोनेस दिख रहा है, येलोनेस अगर वहां पे फूड लॉजमेंट हो रहा है तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी होगी। जैसे एक टिफिन में हमने खाना रख के छोड़ा, अभी उसमें 2 दिन बाद आप खोलेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी, वो स्मेल करने लग जाएगा, आप खोल भी नहीं पाएंगे उसको। तो सेम चीज यहाँ पे है कि वो छोटे छोटे कण दांतों के ऊपर जब लॉज करेंगे तो वहां पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, और वो दांत की इनेमल सरफेस को हार्म करेगा। वहां पे कैविटीज ऐसे ही डेवलप होती हैं, कैविटीज शुरू हो सकती हैं ऐसे, है ना। दूसरा जो हमने येलोनेस का जो देखा कि एब्रेशन के बाद इलनेस, अगर वैसा है तो वो नर्व को बहुत ज्यादा अंदर, देखिए एक और चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये व्हाइट है, राइट, अभी ये येलो है, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए एक ये ट्यूबुल्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो हमारा डेंटिन होता है, जो येलो डेंटिन होता है, वो इस कैप के ढक्कन जैसा होता है, ठीक है, ऐसे ट्यूबुल्स होते हैं। तो वो उस ट्यूब से जो पानी वगैरह है वो आपके नर्व से लगना शुरू होता है, जब जहां पे आप देखेंगे ना कि दाढ़ें पीली हो गई हैं या दांत ज्यादा पीले हो गए हैं, घिस आ गए हैं, वहां पे हमेशा पेशेंट
कंप्लेन करते हैं सेंसिटिविटी की, वो क्यों होता है, क्योंकि वो ट्यूब से वो सारे सेंसेशंस, हॉट या कोल्ड, ठीक है, थर्मल सेंसेशंस, वो अंदर नर्व पे जाते हैं, ठीक है, तो उससे उसके साथ माइक्रोबैक्टीरिया भी अंदर जाते हैं, ठीक है, वो धीरे 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 इन्फेक्शन करने लगते हैं, जिससे कि दांत की नर्व्स खराब होने लगती हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा डॉक्टर, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे गूगल में, तो मुझे आप बताइएगा वो सच है या फिर सिर्फ मिथ है कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं अगर हम लेमन यानी कि नींबू को दांतों में रब करें तो उससे पीलेपन की समस्या दूर हो सकती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए मैम, ना सिर्फ लेमन, लोग फिटकरी यूज करते हैं, लोग जामफल के पत्ते यूज करते हैं। आज इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद मैंने क्या क्या नहीं सुना, मैं बता नहीं सकता, इतने एक्सपेरिमेंट लोग करते हैं खुद के लिए, क्या बताऊं, बाकी इनसे कुछ होता नहीं है। हाँ, सो डॉक्टर, आखिरी सवाल ये होगा, अगर आप एक टिप हमारे सारे व्यूअर्स के साथ कोई शेयर करना चाहें कि हम ऐसा क्या करें कि अपने दांतों को पीले होने से बचा लें, सो आप वो टिप या वो सजेशन क्या शेयर करना चाहेंगे? सिर्फ जो काम कर सकते हैं आपके दांतों को बचाने के लिए, वो है कॉन्शियसली ब्रशिंग कीजिए, और आपको थोड़ी सी मेहनत करना होगी, जैसे कि हाँ, ये टिप्स जो मैं दे रहा हूँ वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि 70% आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना, आपकी आपके जितने भी ऑरल इश्यूज हैं, जो भी, चाहे वो ओरल टिश्यूज में, चाहे हार्ड टिश्यूज हो, सॉफ्ट टिश्यूज हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो अधिकतर सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। पहली चीज ये है कि आपको एक तो अपनी आदत बनानी है, कुछ भी हमने खाया उसके बाद रिंस करनी है, तुरंत तो बाद नहीं कीजिए, एक 10 मिनट बाद रिंस कीजिए, है ना। तो और ब्रशिंग जो है वो तुरंत नहीं करना, कुछ लोगों को ये रहता है कि खाना खाया और तुरंत ब्रश करने चले गए, ठीक है, उससे भी आपका दांत घिसाते हैं। आप जब खाना खाते हैं, अगर उसमें सिट्रिक एसिड वगैरह है, वो आपके टूथ के एनामेल को थोड़ा सा लूज कर देता है, जिससे कि जब आप ब्रश करेंगे तो वो एब्रेस होगा, तो थोड़ा आधा घंटे रुक जाइए, उसके बाद ब्रशिंग कीजिए। रात में अधिकतर लोग यही करते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं और तुरंत ब्रश करके सो जाते हैं, तो वो ज्यादा हार्मफुल है, इस चीज को भी ध्यान रखिए। अभी टिप नंबर वन, खाना खाइए, खाना खाने के बाद या कुछ भी खाया आपने, चाय पी, दूध पिया, कुछ भी, एनीथिंग, पानी के अलावा कुछ भी लिया आपने, उसके बाद रिंस कीजिए, कम से कम 30 सेकेंड रिंस कीजिए, काउंट करके 30 सेकेंड रिंस कीजिए, क्योंकि आपने फॉर्मेलिटी नहीं करना है हमको, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट मैटर, ठीक है, अगर आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दिया दिखाने के लिए या फिर खुद के मन को समझाने के लिए, तो वो आपका रिजल्ट नहीं आएगा वैसा, है ना, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रिंस करते हैं हर खाने के बाद, तो वो जो छोटे माइक्रो पार्टिकल्स हैं, फूड लॉजमेंट होगा ही नहीं होगा तो ना क्रीज बनेंगी, ना मसूड़े खराब होंगे, ना कभी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होगी अगर आप इतना भी करते हैं तो, ठीक है। साथ में आप टिप नंबर टू, आप एक फ्रूट जरूर खाइए, फाइबर्स 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 जिन चीजों में होता है वो खाइए, क्या होगा कि एक तो क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है फ्रूट्स की, ठीक है, वो आपके मुंह को क्लीन करेगा, दूसरा आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है ना, हेल्थ के लिए भी, एक जब हम हैबिट सुधार ही रहे हैं तो एक और हेल्दी हैबिट लें, ठीक है। तीसरा, हम फ्रूट्स को हमको हमारी लाइफ में लाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि वो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, एक पेड़, एक फसल हम उगाते हैं तो वो जमीन को पेस्टिसाइड देते हैं और वो पेस्टिसाइड आपके अंदर भी जाता ही है, ठीक है। फ्रूट्स अगर हम एक 20% लाएं अपनी लाइफ में, तो बहुत सारी बॉडी की जितनी बीमारियां हैं बहुत सारी हम ओवरकम कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, प्लस दूसरी चीज, इन्वायरमेंट को एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रहे हैं, जितना आप फ्रूट खाएंगे उतना एक वो पेड़ कहीं नहीं जाता है, वो पेड़ सालों साल तक आपको फ्रूट देगा, राइट। तो ये एक इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, आज समय आ चुका है कि हम अपने इन्वायरमेंट के लिए भी सोचें।
राइट तो रिंस कीजिए, सुबह right. शाम ब्रशिंग कीजिए, आपके दांत पीले नहीं होंगे। ब्रश हार्ड मत कीजिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट ब्रश। अगर वो लगता है आपको, तो गर्म पानी में ब्रश को डिप कर दीजिए थोड़ी देर, एकदम सॉफ्ट करके मजा आएगा आपको। अच्छे से ब्रशिंग कीजिए। अच्छा, फूड लॉजमेंट अगर हो चुका है, वहां पे येलो दिख रहे हैं, एक बार डेंटिस्ट से क्लीन करवाइए, और प्रोटेक्सिस होती है, स्केलिंग स्केलिंग लीजिए। उसके बाद आप ये सब चीजें फॉलो कीजिए, आपको मजा आएगा और आपको कभी भी कैविटीज वगैरह का रिस्क नहीं रहेगा। ओके थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला बिजी शेड्यूल से। जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपको थैंक यू कहना चाहती है। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि दांत हमारे क्यों पीले हो जाते हैं, बहुत सारी टिप्स भी दी जिससे हम अपने दांतों को और भी ज्यादा हेल्दी एंड उनकी टेक केयर कर सकते हैं। वेल, आज के लिए इतना ही, मैं आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। क्या आप जानते हैं, जी मनी के जरिए आप अपने हॉस्पिटल का बिल भर सकते हैं 12 किश्तों में बिना किसी ब्याज के। और जानकारी के लिए अपने हॉस्पिटल से संपर्क करें।